भगवंत मान बहुत सारिया वीडियो अच्छा वायरल हो गई, हो पूरे संसार चली गई होनी है। जिस कलौज की गल भगवंत मान करता है उही कलौज चौदवा कट के मैं डीसी के मूहरे रखे, सारे पढ़ो। चार अफसर पूछा, चार की नीवी पैगी, चारे नहीं कह सकते थोड़ी दी है। डीसी ने कहता भी प्रधान जी ठीक है गल तो रखो, थोड़ी गल मन ली, असी किसी किसान से कोई मुकदमा नहीं दर्ज करना, जो मैं पूछा मैं जवाब दे दूंगा। है जे होंगे ने जिले के अफसर जो नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि किसानों वातावरण पल्यूट करने का हरजाना पाना कि पर इंसीडेंट 2500 रुपया पर इंसीडेंट क्या है, पर किला नहीं किया। एक घटना वापरी है भावे 5 किले मच गए, भावे 7 मच गए, भावे 10 मच गए, भावे 50 मच गए, तो 2500 रुपये है। परम सत्कारयोग मेरे बहुत ही प्यारे जुझारू किसान मित्रों, सब तो पहला फतेह प्रवान करो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों असी जेड़ी अज का प्रोग्राम उलीकिया, क्यों उलीकना पिया, की कारण ने, सब तो पहले तो आप ये चर्चा करांगे। तुसी देख रहे हो पिछले 3-4 साल तो नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फैसला जेड़ा है, बार बार कहिंदे आ भी असी उहदे मुताबक चल रहे हाँ, उहदे ते हर बारी चल के तुहाडे ते मुकदमे दर्ज करदे आ। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार सी साडे किसानां दे उत्ते 69,000 मुकदमा दर्ज होया। चंडीगढ़ों एक होर उपरों आदेश आ गया, कहिंदे जिहड़े तुसी मुकदमे दर्ज कीते ने ये ठीक नहीं गए, ये हजे जो सैटेलाइट कहिंदा उहदे नालों बहुत थोड़े है, ये गिनती वधाओ। अंदाजा लाओ मुकदमे दर्ज करन दा फार्मूला की है। डीसियां ने ऑर्डर करते, ये सच्चाई दसन लगा मैं, डीसियां ने ऑर्डर करते कि जिन्हें जिन्हें जिहड़े जिहड़े अफसर ने मुकदमे दर्ज किए हैं उन्होंने डबल कर दिओ, वह डबल हो गए, ये सच्चाइयां ने। हुण सवाल यह है कि उदों तो लैके आप लगातार देखते आ रहे हैं कि हर बार मुकदमे दर्ज, हर बार मुकदमे दर्ज, तो कहिंदे की है कि सानू नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अग पंजाब दे विच पराली नूं लगदी है तो उहनूं बंद करना है। दोस्तों जो कि टेबल से गल आती है ना, जो कि टाई पी है सवाल उदो आता, कोई सैणा मूहरे बैठा हो सवाल सवालों समझने वाला तो जवाब देने वाला। डीसी फरीदकोट एक आके लग गया बंदा बहुत वधिया सी, कुमार सौरव, उन्हें साडी मीटिंग सद ली किसानों की, सारिया जथेबंदियां सद लिया, दस भी गया उहदे च, वह आपदियां हदायतां करी गया, देखो जी ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत से बोली गया। मैं उन्होंने चक के नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फैसले का वह पेज कढ के उहदे मूहरे रखता, जिहदे च इह कहा जिहड़े पेज की गल भगवंत मान बहुत सारिया वीडियो अच्छा वायरल हो गई, वह पूरे संसार चली गई होनी है। जिस कलौज की गल भगवंत मान करता है उही कलौज चौदवा कढ के मैं डीसी के मूहरे रखे, सारे पढ़ो पढ़ लिया। एक्शन बैठा है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, उन्होंने कहता जी इन्हू आप फॉलो कर लिया, जो किसानों देना आप देता, एक्शन की नीवी पै गई, चुप हो गया। एडीसी ते एसडीएम बैठा उन्होंने दोनों पूछा जी आप किन्ने लोगों को यह चीज़ा देती, दोनों की नीवी पै गई। एसपी बैठा पुछता जी दस्यो तुसीं तुहाडे ध्यान चा कोई जानकारी, चार अफसर पूछा चार की नीवी पै गई, चारे नहीं कह सकते थोड़ी दी है, तो मैनू कहण की लोड़ नहीं पई। डीसी ने कहता भी प्रधान जी ठीक है गल तो रखो, थोड़ी गल मन ली,
असी किसी किसान से कोई मुकदमा नहीं दर्ज करना, जो मैं पूछेंगे मैं जवाब दे दूंगा। यह जे होंगे ने जिले के अफसर इतने की है। उस तो बाद जो नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि किसानों वातावरण पल्यूट करने का हरजाना पाना कि पर इंसीडेंट 2500 रुपया पर इंसीडेंट के है, पर किला नहीं किया। एक घटना वापरी है भावे 5 किले मच गए, भावे 7 मच गए, भावे 10 मच गए, भावे 50 मच गए, वह 2500 रुपया। उस तो बाद जेडे 14वें कलाज की गल भगवंत मान उदों करता सी जो सत्ता तो बाहर सी। उस कलॉज के बड़ा स्पष्ट लिखे है कि किसानों जेडे छोटे किसान ने 2 एकड़ तो घट जमीन के मालक ने उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट भाव बिना किसी पैसे के खर्चे तो उन्होंने संद प्रोवाइड करवाने हैं। ये लिखा अगे जाके लिखिया कि 5 एकड़ तक के जेडे किसान है उन्होंने 5000 रुपया देना है, तो जेडे इस उपर जमीन के मालिक किसान है उन्होंने 15000 रुपया देना। एक किया उन्होंने नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी। हम साड़ी लड़ाई आ है, पराली अग लाने का कोई रौला नहीं है, सानू कोई चाह नहीं है कि असी पराली अग लानी है। उस तो बाद 19 चक सुप्रीम कोर्ट के विच केस चलिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिता, पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट ते यूपी गवर्नमेंट नूं कि तुसी हर एक क्वंटल मगर किसानां नूं 100 रुपया इनसेंटिव दिओ ताकि किसान इस पराली नूं मैनेज कर लैण। इन्ना ही नहीं किया कला, इतों तक कि है कि जेकर तुसी सारा कुछ दे दिने हो फिर एक जगह दियो कि यह पराली चक के कित्थे सिटणगे, वो जगह भी देनी है इन्होंने। तो कल परसों सुप्रीम कोर्ट ने गल होर बड़ी वधिया कही है, वो कहिंदे एसी कमरियां च बैठ के, वो कहिंदे बड़े बड़े 5 स्टार ते 7 स्टार होटलों च बैठ के किसानों प्रति नीतियां नहीं घड़िया जा सकदियां। ये भी क्या हुण इत्थे नीतियां घड़न वाले जिहड़े कल कहिंदे रहे ने सत्ता तो बाहर सी जदों जिस कलॉज की गल करते रहे अज सत्ता ते आ गए, भरावो कलॉज भुल गए। एक ने भुले सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी भुल गए। और असी कहा जो मेरे नाल गल चलती है ना उपरले अधिकारियों की इन्हों की, पर असी कला हवा च नहीं गल करते। मैं कहा कि कंटेंप्ट पावांगे सरकार दोहां ते, क्योंकि हरियाणे के किसान भी मेरे नाल जुड़े हुए ने, पंजाब के किसान भी है। कंटेंप्ट पावांगे ते घड़ीसांगे सरकार नूं, हाई कोर्ट दीआं पौड़ियां चढ़ावांगे कि आ तुसीं दित्ता नहीं, ते आ साडे इन्ने किसानां ते मुकदमे दर्ज करन दा अधिकार किवें आ गया तुहानूं। जिस दिन बठिंडे की घटना वापरी है, बठिंडे वाली घटना अगर इहनूं तुसीं उस दिन तो सारा नैरेटिव आम आदमी पार्टी का जिहड़ा आईटी सैल है ना वो बड़ा स्ट्रोंग है, तो मीडिया वाले वीर भी बेचारे वह जे कई कई होंगे ने, उन्हां सारिआं ने एक नैरेटिव सिरजदा किसानां ने बड़ा लोहड़ा मारिया, बहुत माड़ा किया, लो जी उस अधिकारी तो अग लवाना की जायज है। ये क्या तो सुबह तो मैनू प्रेस के टेलीफोन आने शुरू हुए, मैं क्या यार मैंने सवार के पहले घटना बारे जानकारी ले लें, उस तो बाद मैं बोलूंगा। उस तो बाद अज भी हम 4:30 बजे अपनी आ समाप्ति होनी है, 4:30 बजे फिर डिबेट शुरू होनी है मेरी पीटी से, इसे गल तो फिर होनी है अज वाले मामले से। असी घट्टो घट मेरा ख्याल है 4-5 चैनलों के उत्ते डिबेट के विच मैं गया, मैं इन्हां नूं पुछिया जिहड़ा नैरेटिव इन्हां दे आईटी सैल ने सिरजिया सी तुहाडे खिलाफ,
घेर के लिया के खेतीबाड़ी मंत्री नूं मजबूर कर लिया कहण दे लई कि पंजाब दा तां पोल्यूशन ही नहीं, किसानों दा तां पोल्यूशन ही नहीं। खेतीबाड़ी मंत्री नूं कहना पिया, इत्थों तक कि जदों असीं डिबेटां च बैठदे हां, मैं ज्यादा उस विषय से नहीं लैके जाता गल क्योंकि लंबा बहुत हो जूगा, बिल्कुल पंजाब का पक्ष बहुत माड़े तरीके सुप्रीम कोर्ट च रखे साड़ी सरकार ने। एक तरीके मन गए कि दिल्ली नूं पोल्यूशन करन दा जिम्मेवार पंजाब है, ये भी मन गए सुप्रीम कोर्ट ने छोटी जी टिप्पणी करती कि क्यों ना अगर पंजाब के किसान ये करते हैं तो क्यों ना पंजाब के अंदर MSP बैन कर दी जाए। तो इन्हों का जो एडवोकेट जनरल वो पता की बोलता है, कहिंदा जी हाँ अगर यह हो जाता है एक दिन दे विच पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा। गल तो बड़ी छोटी है, लाइन बड़ी छोटी है, पर गल्ला दोनों कर गया कि तुसी MSP भी बंद कर दियो ये ठीक है, तो गल ये भी कह गया कि दिल्ली के पोल्यूशन के जिम्मेवार पंजाब के किसान ने, पंजाब जिम्मेवार है। यहोजे लोग तो असं सत्ता से पाए ने, प्रभु गलती अपनी सारे की है, बिना सोचे समझे चल रहे हैं। डिबेट के जो चर्चा हुई इन्होंने गलों की तो सारिया गल् मूहरे रखिया, इन्हों मैं पूछा इन्हों का एक आम आदमी पार्टी का बुलारा मेरे न डिबेट च बैठा, मैं उन्होंने दो सवाल किए। एक मैं ये किया कि तुहाडी सरकार है, तुहाडे सारे डिपार्टमेंट है यार, इन्हां तां अखां मिची क्यों बैठे हो, ये तो पड़ताल करा लो कि दिल्ली नूं हवा पंजाब के उपर की गई भी है कि नहीं गई। इतिहास गवाह इस गल का, भूगोलिक स्थिति गवाह इस गल की, सारिया गर्मिया जिन्होंने भूगोल पढ़िया या जिन्होंने साइंस थोड़ी बहुत पढ़ी उन्होंने वीरां नूं पता होगा कि पहला खाड़ी बंगाल तो हवा आके सीधी पहाड़ों नाल टकराउंदी है, जो उत्थों आपकी दिशा बदल के पूर्व तो पछम नूं हो जाती है, वो बारिश होंदी है जो सारी गर्मी इस दिशा च चलती है हवा, तो उही दी हवा जदों सर्दी का मौसम आ जाता है वो जिहड़ी गाह लंघ गई होंदी है मारूथल दे विच लंघ जाती है, जिते दी पानी तो बिल्कुल खुश्क होई होंदी है वो हवा, फिर हुण सियाल च उधरों इधर नूं चलती है वापस, सिस्टम तां है। पंजाब दे अंदर कदे हवा दिल्ली गई नहीं, दिल्ली पंजाब तो दक्षण च है, तो दक्षण तो साढ़े कदे वगे नहीं, दक्षण में जाने तो हवा ही नहीं चली कदे, ये तो साढ़े बैठे ने सारे घुगू कट्ठे करके बिठाए आप ही पाए हैं, आ तो इन्हां दी नीतियां, आ तो इन्हां दी समझ है। पंजाब इतों भी अगला तत्थ कि पार्लीमेंट दे विच एक रिपोर्ट पेश हुई पिछले दिनों, वो कहते एग्रीकल्चर तो जोड़ा पोल्यूशन होंगे है वो रिपोर्ट दसती है कि 3.5% पोल्यूशन एग्रीकल्चर तो है, केवल 3.5% है। एक रिपोर्ट आई है वो कहते साढ़े, वो कहते 6% है, हम आप 3.5 नहीं आप 6 ही मान लें। तो दोस्तों यार 6 वाला तो गुनाहगार है, तो जेड़ा पोल्यूशन इंडस्ट्री करती है इन्होंने मुताबिक 52-53% है इन्होंने मुताबिक, पर सच्चाई की है वो 70-72% पोल्यूशन की जिम्मेवार इंडस्ट्री है, उन्होंने बड़ा लुको के पेश करते ने। फिर मैं उन्होंने गुस्से च भी गल पूछी कि यार तुसी थोड़िया अखा बंद है, दिवाली के पास आसे आ गए उन्होंने दिनों आप बठिंडे बैठे से धरने चौदह जिदा मीह पिया अपने उत्ते बैठे ने दिवाली तो एक दिन पहला, अगले दिन आप किसान छिड़ाए ने। हुण समझण वाली गल है भी जदों पंजाब सारे मीह पै गया पराली नूं अग लग जू, क्यों भी दोस्तों लगन का मतलब ही नहीं यार, दिवाली लंघ गई पंजाब च तां अग ही नहीं लगी, तो दिल्ली का पोल्यूशन
हजार की हद पार कर गया वो किने किया है, वो भी कहो ज्यादा किसानों ने किया नहीं किया, क्यों नहीं किया? इन्हों का ही बुलारा मेरे ना गलबात की कहता है, कहता जी धार्मिक मसले ने तुम जी गल करते हो कि दशहरे करके होया, तुम जी गल करते हो कि दिवाली करके हो रहा है, तो असं क्या भी ये तो तथ्य ने। दिल्ली के अंदर तुम्हें सारे नहीं पता, ठीक है चलो आप साधारण जाट है किसान है, लेकिन सानू तो पता है दिल्ली के अंदर 650 रावण का पुतला फूकिया गया है, साढ़े लुधियाने के एक जो पुतला फूकिया रावण का 24 लाख तैयार होया है। आ जिहड़ा इधर पंचकुला दे विच पुतला फूकिया गया 18 लाख का तैयार होया है। मैं सोचना चाहीदा सरकार नूं, मैं बड़ा हैरान है यार, अग ला के नोटा नूं सड़ी जाने हो ते देश डुब रहा, ना तुसी मजदूर की सुन रहे हो, ना तुसी किसान की सुन रहे हो, ना किसी दूजे तीजे की सुन रहे हो, आपके लोगों नूं नचोड़ी जाने हो कादे लई कि जे कहता भी दशहरे का साड़ना बंद करो तो हिंदू कम्यूनिटी सारे नाराज हो जाएगी, इसे पैनी हुई है वोटा लैनिया जिनी मर्जी पोल्यूशन कर लैन, उन्होंने कोई नहीं पूछना। किसान से डांग उड़ती है भरावो, क्यों उड़ती है मैं भी कारण दस दिना, क्योंकि असं डेर लाते ही कुछ करते फिरते हाँ, जेकर नब्ज ना फड़ा गए तो कहदे वैद है। प्यारे दोस्तों, नीतियां बन गई, पॉलिसियां घड़िया गई, अगर किसी ने स्टडी करना तो पढ़ना है, गूगल तुहाडे मोबाइल च चलती है, इहदे तों सर्च कर लियो, भारत सरकार की एग्रीकल्चर पॉलिसी सन 2000 भर लियो, अपने आप निकल के बाहर सब कुछ आ जाऊगा। उस एग्रीकल्चर पॉलिसी च लिखिया की है, वो कहिंदे आ जिहड़े लोग खेती करते हैं किसान, ये छोटी खेती करते हैं, महंगा अनाज पैदा होता है, इस करके अनाज नूं सस्ता करना है, तो वह तकनीक अपनानी पेगी जिहड़ी बाहर है। इत्थे 15-15 हज़ार एकड़ 20-20 हज़ार एकड़ के फार्म तैयार करने हैं, ये एग्रीकल्चर पॉलिसी च लिखिया है, भारत सरकार की एग्रीकल्चर पॉलिसी, उस पॉलिसी से चलते हैं भरावो, उस पॉलिसी से चल के आ कानून आए सी, तुहानू जागृति आ गई, तुसी उठ खड़े, तुसी घेर ले अगो रौला पा लिया, नहीं पेश जान दिती, हुण की है कोशिश, हुण भी उही है कि इन्हां तों जमीन लैनी आ। सबूत के तौर पर मैं एक छोटा जिहा सबूत तुहाडे ध्यान सामने होर रख दिंदा, मणिपुर का जिहड़ा कांड होया है, कहिंदा 3000 लोग मरे ने, 3000 नहीं भरावो, गुप्त रिपोर्टा दस दियां ने 4 तो लेके 6000 लोगों की मौत हुई है, उत्थे बीबिया नंगिया कीतिया गई, धिया भैन कपड़े उतार के उन्होंने सड़कों पर घुमाया, इन्हों के गुंडिया ने। तो मेरी बेनती है जेडे रोज ये कहते ने साडा महाभारत, महाभारत चल रहा साडे टीवी चैनल से सीरियल चलता है, वो की है भला, कौरवा पांडवों की लड़ाई है ना, तो लड़ाई का मुढ़ की है, सिर्फ एक द्रौपदी के कपड़े उतारन का यतन किया गया जिदे चो लड़ाई भड़की है, कि होना दस्यो, यही कारण है ना। अगर द्रौपदी दे, अगर कृष्ण जी दे उपासक है, तो द्रौपदियां कौन सी जिन्होंने कपड़े उतार के सड़क से नंगियां घुमाया, उदो क्यों नहीं इन्हों दर्द आया, वो जड़िया लड़कियां जड़िया औरत अल्फ नंगिया करके लोगों सड़क से घुमाइया, उदो किधर गई सी इन्हों की वो सोच, उदो किसी का कोई कार्रवाई नहीं, ये कहता भीड़ का कोई रूप नहीं हुंदा, भीड़ की कोई पहचान नहीं हुंदी, ये कह के सारता ते सी की हो, असल चीज की सी हो,
इन्होंने पेश पता किवें कीता है, ये कहिंदे हिंदू कम्यूनिटी की क्रिश्चन कम्यूनिटी की लड़ाई सी, ये कहिंदे आ हकीकत है नहीं सी। आरएसएस और उहदे नाल अडानियां दे गुंडियां ने उहनू खाली करवाउणा, जंगल नू भरावो जंगल खाली करवाउणा। लोग कौन सी? वो आदिवासी लोग जिहड़े जंगल जांदे दिन कट्टियां करदे आ, वो जंगल खाली करवाउणे। क्यों करवाउणा खाली? इन्हां दी आइडियोलॉजी सोच लिओ, सुन लिओ, मैं ग्रुप च भी पा देंगा, सारे पढ़ लिओ। आरएसएस दा जिहड़ा दूसरा मुखी है गोलवालकर, वो अपनी किताब च लिखदा, उहदी किताब च लिखिआ है कि जदों भी सत्ता हथ लगे इत्थों दी सारी सरकारी प्रॉपर्टी, जंगल ते जमीन सारी दी सारी कुदरती सोर्स अपने दो तीन विश्वास पत्र अमीर घराणियां दे हवाले कर दिओ। वो कहिंदा सत पुश्ता तुहाडा राज नहीं जाएगा। ये क्या है? उन्हें अपनी किताब च लिखिया है। उन्हें हो रहा है कि नहीं हो रहा, असीं देख नहीं रहे, भरावो वापर रहा है। इन्होंने आपके पहले भी जड़े से ना, जिन्हें दूजे ने जिहड़े हुण बाहर ने सदा तो कसर उन्होंने भी नहीं छड़नी सी, भुलेखे च ना रह जाओ। को जिहड़ा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है नहीं समझ आना साडे जट्टां दे, ओह की स्यापा है, ओह उपरला जिहड़ा इन्हां दा ताना बाणा है। एक धिर नूं ओह फड़ी खड़ा है, दूजी धिर नूं इधरला फड़ी खड़ा है। इधर लियाने कोशिश कीती, तुसीं सुणदे रहे होंगे उस वेले, ताजे बिरलियां दा नां आउंदा सी, डालमियां दा नां आउंदा सी, मित्तलां दा नां आउंदा सी, आउंदा सी ना, आउंदा सी ना। उहनां दी वारी कट्टी गई, उहनां ताजे बिरले ते डालमियां नूं पिछा धक्क के इहनां ने अपने मित्र लै आंदे, अडानी लै आंदे। इस शर्त ते आए ने कि तुसीं सरमाया खर्च करके इन्हां दे हथ सता दिओ, और यह उस सता तो बाद आ सारियां चीजां तुहानूं सौंपणगे। इस शर्त ते आए ने, इत्थों तक भी जानदे आ कि किने शर्तां तय करवाईआं इन्हां लोकां दीआं। तां मेरे दोस्तों हुण नोट करिओ कि अडानियां दे नाल मित्रता की कुछ हो रही है। तुहाडी रेलवे गई अडानिया कोले के नहीं गई? बोलियो। एयरपोर्ट अडानिया को जा रहा है कि नहीं जा रहे? इंडियन एयरलाइन गई अडानिया को? बंदरगाह गई अडानिया को? बैंक गई? LIC गई? ये मैं ठीक कह रहा कि गलत कह रहे हैं? मेरी गल ठीक है? सहमत हो इस गल ना? इहदा मतलब उधर नूं तुरे होए ने, कोले दीआं खाणां देतीआं अडानियां नूं भरावो, उस ते कम हो रहा है। नैशनल प्रॉपर्टी दित्ती जा रही है तड़ा तड़ा। ते पर जंगल ते जिन्हां दा कब्जा सी, जंगल नूं हथ पाया, इधर नूं क्यों नहीं तुरे भला? क्योंकि ताजा ताजा दिल्ली दे अंदर लड़के आए हो, थल पा के आए हो, तो जानते हैं कि नाल दा जम्मिया भरा भी जेकर एक गिठ पट वाले ना यह सिर ला देंगे, खैर नहीं गुजारते। इस करके इन्हों के नेड़े जाना औखा है। पहले उन्होंने फड़ लो, जंगल में कब्जा करो पहला। और कहा गया कि हिंदुओं का तो क्रिश्चनों की लड़ाई है, असल भरावो जंगल के वसण वाले साडे ओ गरीब लोकां नूं, उस जंगल दे आदिवासी लोकां नूं, उस जंगल दे विचों उजाड़न दी चाल सी। और वो इन्नी बेपती कीती,
इन्ना तशद्दुद होया अज जे कि 50 गुंडे लैके आपके हाथ च हथियार जंगल दे विच ही हो हल्ला करते लंघ जाना लोग पिंडां दे पिंड खाली करके निकल जाते हैं। ये पोजिशन बनी उत्थे सो इस तो अगली बारी मित्रों तुहाडी है भुलेखे च ना रह जाओ। ये जमीन दे उत्ते हमला होना है गल्लां नाल नहीं बचनी ये तो हिक डा के बैठना पैना मरन मनना पैना। जिन्ना चर मरन नहीं मनते उन्ना चर सजनो जमीना नहीं बचनिया। आ जड़ा मैं पराली दे इशू की गल की है मैं थोनू तीन चार गल्लां दसिया ने। पहली गल हवा दिल्ली नहीं गई, दूजी गल देश दे किसान दा पोल्यूशन केवल 6% मन लिए, तीजी गल 5 तरीक नूं मैं दिल्ली सी लुधियाने दा पोल्यूशन सी 167, अमृतसर दा पोल्यूशन सी 206 ते दिल्ली दा पोल्यूशन किन्ना सी 690। हुण दस्सो पोल्यूशन मैं दिल्ली दा कि पंजाब दे विच्चों गया कि कित्थों आया है। जे ओह पोल्यूशन दिल्ली दा पोल्यूशन दा असीं जिम्मेवार तां है जेकर साडा पोल्यूशन ओदू वध हुंदा तां। इस करके असी पोल्यूशन के जिम्मेवार नहीं हाँ। बड़ी सबूत यह दिता असी मैं कहना रब तुहाडी मदद कर गया भावें होया तो नुकसान मीह पै गया दिवाली वेले नहीं तो इन्होंने वह पटाकों की अग नूं भी पटाकों के धुएं भी तुहाडे सिर मरना सी तुसीं तां उहनां दिनां चक्क ही नहीं लई। और दिल्ली का पोल्यूशन 1000 पार कर गया सो ये सबूत हो गए। पर प्यारे मित्रों बदनाम फिर भी किसान नूं कीता जा रहा है, इंडस्ट्री लिस्ट का नाम नहीं लिया जा रहा। क्यों किया जा रहा है? एको ही साजिश है कि जिद्दे इन्हां दी जमीनां ते कब्जा करना है दोबारा बिल्कुल मणिपुर की तरह यह कह के कब्जा करना है कि ये लोग कहा नहीं मानते। सारे भारत के लोगों नूं यह गंदली हवा यह पल्यूट हवा नहीं दिती जा सकती। एक किसान नहीं आखे लगते इस करके जमीन फड़ो इन्हां तों। यह हुक्म सुप्रीम कोर्ट तों होंगे थोड़े तो जमीन खोहिया जाएगियां उस तो पहले तप के बदनाम कर दो इन्हां नूं पूरे वर्ल्ड दे विच बदनाम कर दो कि जिस तरीके दे नाल 2020 दे वेले लोगों ने वर्ल्ड दे विचों तुहानूं समर्थन मिलिया सी ये दोबारा उस समर्थन ना मिले इन्हां नूं। सिर्फ एको ही चाल है पर मेरे दोस्तों उस चाल का हिस्सा यह भी ने सारे ये भी सारे उस चाल का हिस्सा ने कसर किसे च नहीं। तो मैं एक थोड़ी जी गल तुहानूं होर दस दिंदा कि तुहाडी जमीन लैण लई कर की कुछ रहे ने। सानू साडी फसल का रेट हुण बहुती डिटेल च नहीं जाया जाणा बिल्कुल समा थोड़ा है हिंट दे देंगा। तुहाडी फसल का रेट इन्हां दी साजिश है कि ये लोग जमीन नहीं छड़नगे जमीन छड़ाउण दे लई करजाई करने पैणगे। करजाई तां होणगे जे इन्हां नूं इन्हां दी फसल का रेट लागत नालों घट देंगे। तो और अज जिहड़ी लागत है असीं क्या भगवंत मान की सरकार नूं साडा वादा तसली करा देंगे कि ते ऐना सोच ली भी जाती हाँ तू बठाओ दे अर्थशास्त्रियों साडे नाल बठाओ दे एक्सपर्टा साडे नाल सिद्ध करके आवांगे कि दोस्तों एक क्वंटल कणक 3200 रुपये पैदा होंगी है। एक क्वंटल कणक एक क्वंटल झोना 2300 पैदा होंगे आ जाए साढ़े टेबल से जो साड़ी गल झूठ है तो नहीं आते क्योंकि साढ़े मीटिंगों के तय किया इन्होंने
ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ ਭੱਜ ਗਏ ਸੋ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਟ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਆ ਪਰ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਓ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਰੇਟ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਕਰਾ ਲਿਆ ਰੇਟ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਗੱਲ ਜਰੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 1950 ਚ ਮਿਲਿਆ ਕੌਮ ਨੂੰ 300 ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ 300 ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਸਿਰਫ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੱਕਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 8 ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ 9ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੋਇਆ ਕੱਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਭਰਾਵੋ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਲਾਮ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਖੋਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਨਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਸ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਉਸ 9ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਚ ਪਾਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਗੱਲ ਇਹ ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਚ ਆਏ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਖਤਰੇ ਚ ਹੈ ਪੰਥ ਖਤਰੇ ਚ ਹੈ ਲਈਆਂ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨਾ ਇਹ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਤੱਕੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਰਾਵੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਸੇ ਸੱਥ ਚ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਆ ਦੂਜੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਬੋਲਿਓ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ WTO ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
कि आम पर लोग आज जिहड़े सधारण लोग ने ठगे जा सकते हैं, इन्होंने ठगिया मार के वोटा लैके सत्ता हासिल कर लेनी है, तो सत्ता से बैठ के इन्हों गलों का कोई पता नहीं। तुसी जिन्ने के इत्थे बैठे हो आ जिहड़ी मैं तुहानू गल दसी है, ईमानदारी दसो किन्ने बंदे नू पहला पता है कि तुहाडा कोर्ट जाण दा हक होया है? पता किसे नू नहीं पता। हुण मेरा सवाल इत्थे के खड़ा हुंदा है, हुण वोटां पैणियां है, सारे ने कागज भरने ने, पिंडा च आउणा है, ऐठूएं वो पूछा सारे दियां कुंडियां कीतियां होणगियां, वो कहूगा मैं तकड़ा, वो कहूगा मैं वधिया। मेरे सज्जनों इन्हां नू पुछो कि इहदे बारे दसो। हुण सवाल इत्थे खड़ा हुंदा जे तो कहण भी सानू इहदा पता ही नहीं, जे तो कहण भी सानू इहदा पता नहीं, फिर वो सत्ता ते बिठाउण दे काबिल हैगे है कि ख्याल है? ते जे कहण भी सानू पता है ते फिर अज तिकर बोले नहीं, तब सिरे दे बेईमान हो, की ख्याल है? सो मेरे मित्रों ये क्यों है? इस करके इन्हां नूं पता है कि इन्हां लोकां तों असीं उह जिहड़ी प्रधानमंत्री की कुर्सी उह लैणी है, सत्ता लैणी है, उह सत्ता दे उत्ते बैठ के करना असीं वी उही कुछ है जिहड़ा कुछ पहला डॉक्टर मनमोहन सिंह कर गया, उही कुछ करना जिहड़ा अज नरेंद्र मोदी कर रहा है, उही कुछ करेगा जेकर कल नूं केजरीवाल आ गया। लड़ाई भरावो ये है कि असीं आपदा हुण मेरी समझ च आ गई गल तुहाडे सारिआं दे कि जमीन लैण की तैयारी किस तरह की है। सो ये है पोल्यूशन का कारण, आपां पोल्यूशन नहीं करते, उन्होंने मत लिया कि इन्हां तों जमीनां छड़ाउणियां, इन्हां नूं बदनाम कर दो जिन्ने वध तों वध कीते जा सकते हैं। अगली साडी गल यह है, इन्होंने कहता कि एस एच ओ जिम्मेवार है, जे उहदे खेतर च अग लग गई तां उह बेचारे भजले, लोकां नूं डर पै गया, अज ते तुहाडे ही है इत्थे भी, जे मेरा ख्याल है इत्थे नेड़े जिहे ही पिंड आ, उस पिंड दे विच उह किसान ने बेचारे ने मेरा ख्याल 10-12 दिन हो गए लंघे पराली झोनी झोना वढे नूं, कुछ उहदा खड़ा है, उह दुबारा उहदा पराली इन्नी इन्नी दुबारा फुट खड़ी, ना उन्हें कोई अग लाउण दिंदा है, ना उन्हें कोई मशीन दिंदा है। मैं वीडियो दे राही भी मंग कीती है, ये फतेहगढ़ साहब का प्रशासन इस खेत्र दे विच असी 2 दिन दित्ते सीगे, असी होर दे दिंदे आ 1 दिन, या तो पराली चुका लो नहीं फिर साडी मजबूरी बनेगी, असी आपदा किसान नहीं मरन देना। क्यों नहीं मरन देना? क्योंकि साडे किसान नूं रोज 1 एकड़ दे मगर 30 किलो का घाटा पै रहा, उन्हें असी पैन देंगे, फिर साडी मजबूरी होगी। अगर दोस्तों ये करना पैंदा है, सारे लोग उहदे खेत दे विच जाके पराली नूं अग लगाउण वास्ते तैयार हो जाओगे ईमानदारी नाल? पर मेरी बेनती है प्रशासन नूं पहला संभाल लो, मौका नूं तुहानूं 2 दिन दित्ते ने। मेरे दोस्तों एस एच ओ जिम्मेवार ठहराता, पराली नहीं साड़न देनी, रोजाना रिपोर्ट की कहती है 18 नौजवान नशे करके टीके लग के मर रहे हैं। अगर यही गल यही जिम्मेवारी एस एच ओ एस एस पी डी एस पी दे पा दी जाए, MLA दे पा दी जाए कि अगर तेरे खेत्र दे विच कोई नौजवान दे नाल जे यही अनहोनी होगी मुकदमा तेरे दे दर्ज होगा। मैं दावे नाल गल करदा सजणो, 5 दिनां दे विच नशा बंद हो जाएगा भारत दे पंजाब दे विचों। देखो ना हुंदा नहीं हुंदा तां पा दस्सिओ, उधरले पासे नूं किसे दा ध्यान नहीं, उहदे उधरले पासे नूं इस करके ध्यान नहीं मित्रो। आ हुण आ जाएगी थोड़े चिर च इक पॉलिसी बन के, की कहणगे कि मुंडे बहुत मर रहे ने, यूथ बहुत मर रहा है, इहनूं बचाउणा है। असीं इक कंट्रोल्ड पोटेंसी दे विच फलानी दुकान ते यह नशा बिकेगा, उत्थों जाके नौजवान प्राप्त कर लेना, ये होएगा। क्योंकि जिहड़ा खरबा रुपया कोई कमा रहा, कोई क्यों कमावे, साडी सरकार कमावे यार।
ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਰਾਵੋ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਰਦ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਭਰਾ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਸਮ ਖਾ ਲਓ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੇਕਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ मोर्चा कट के लावांगे असि चंडीगढ़ के अंदर और जिनी देर तक ये फैसला करवा नहीं लेंगे ना सरकार तो उन्नी देर उठांगे नहीं ईमानदार दसो बैठो बैठोगे उत्थे दिल्ली चंडीगढ़ सच्ची गल है देखो कि देर हो असि कल्ले बैठे रहिए तुसीं आ कुछ तो थल्ले ट्रालियां लैके सो इहो जिहे मुद्दे ने प्रीपेड मीटरां दी गल है थैंक यू है अधिकारी जेड़े डीसी साहब नूं मेरी बेनती सी कि आके आपका मंग पत्र 3:30 बजे 4:45 हो गए ने मंग पत्र प्राप्त कर लैन ते असीं आपदी लास्ट वाली जिहड़ियां गल्लां करके असीं आपदे नूं वक्त सिर समाप्त करिए दोस्तों अगली जिहड़ी गल्ल प्रीपेड मीटरां दी है हुण दो सरकारां दी करतूत देखो दोवां दी की है ये सानू समझ क्यों आउंदियां ने क्योंकि असीं सारा दिन रुड़ रुड़ के गोल हो जाने असीं घूमदे ही इहदे विच पोलिटिकल साइंस पढ़ी है इन्ना क तां वल आ गया कि इन्हां दी नीति फड़नी किवें आ दोनों ही WTO दीआं हदायतां दे मुताबक थोड़ी MSP खत्म करना चाहुंदी है केंद्र सबसिडियां खत्म करना चाहती है पंजाब सरकार इन्होंने की किया तो पिछे कहता कि कणक के रेट से असी बहुत वाधा करता क्या है ना पर नाल की कर रहे ने केंद्र वाले आ फरवरी दे विच करना इन्होंने बाहर तो आने वाली कणक तो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म साढ़े जट्टां नूं नहीं पता कि वह की हुंदा है इंपोर्ट ड्यूटी होंदी है भरावो जिहड़ी बाहर तो कणक आ के भारत आउणी है भारत सरकार उहदे ते इक टैक्स लाउंदी हुंदी है उह टैक्स किन्ना है 40% है 40% ते 40% टैक्स ला के तुहाडी कणक नालों 10-20-50-100 रुपया महंगी कर दिंदे आ फिर उहनां दी नहीं विकदी तुहाडी विक जांदी है इह सिस्टम है हुण उह 40% टैक्स खत्म होणा है तो जिद 40% टैक्स खत्म होया दोस्तों उसके तुहाडी कणक दे रेट दे विचों 800 रुपये का घाटा होना रेट दिखना 800 रुपया वो की कहिंदे ने असीं तां जी MSP देती वधाती पर इनडायरैक्ट ढंग दे नाल MSP दे खरीदण तों भज रहे ने समझ लग रही है कहानी दी दूजी गल आ जिहड़ी पंजाब वाले करदे ने इन्होंने कहा 600 यूनिट फ्री देवे आप ठीक है हम की है तुसी भी भाई जेड़े कोई होर शहर बाजार वाले हो तुसी भी जे किसी ने लवा बैठे हो तो चेक कर लो घरे जाके ये जिन्होंने भी प्रीपेड मीटर लगे ने मूहरले पासे घर वाले पासे एक मीटर सब मीटर 700-800 रुपये का आऊगा वधिया कंपनी का वो ला लियो दोनों की रीडिंग चेक कर लो तुहाडे वाले मीटर नालों टेढ़ी रीडिंग आएगी उहदी कल एक पिंड च मैं बोलन गया उत्थे एक नौजवान ने दस्सिया कहिंदा सी सारियां सुच्चां बंद करतीआं मेन सुच भी करती ते फिर भी कहिंदा रातों रात 3 जून तक आ गया कल एक जट एक मुंडा मिलिया मैनूं पता नहीं अज आया कि नहीं आया इत्थे कहिंदा फिर भी 3 जून तक आ गया ते की कर लोगे आह ही कर सकते हैं ना भी आदि सुचा बंद कर लोगे तो बाद होर की करोगे भाव तुहाडी बिजली समुच के वर्तन के बावजूद भी मेरे दोस्तों 600 यूनिट तिकर इन्होंने कहा कि असं माफ करांगे 600 यूनिट तो एक भी गाह टप गई तो सारी का बिल लवेंगे तो जो ड्यूटियां मचदियां ने जो 150 यूनिटा मचदिया ने फिर दस्यो
खिच धू के पांच साढ़े पांच सौ तक ठलन का यत्न कर दो तक रह जाए ते पांच सौ तो डूटिया हुई फिर किनिया हो साढ़े सात सौ की करोगे फिर यही भगवंत मान कहेगा देखो जी असि तो आपकी गलते कायम है असि तो आपकी गलते कायम है छे सौ यूनिट तो जो उपर टपेगी तो फिर लेगी सरकार इनडायरैक्ट ढंग के नाले को जी बिजली की सहूलत है वापस लैन का एक लुकमा ढंग है उन्होंने एम एस पी तो भजन का लुकमा ढंग लभ्या होया इन्होंने ये तो लुकमा ढंग लभ्या होया एक वीर मेरे तो पहला बोल के गया नौजवान शायद मेरा ख्याल है गड्डी बोलिया सी मैं तो तुहाडे तो पूछना चाहना है एक किसान कमीशन बनाया पंजाब गवर्नमेंट ने किसान कमीशन का चेयरमैन की सिफारिश है कि जेड़े किसान ने दो तो वध मोटर लगिया है उन्होंने उपरलिया मोटर का बिल लाओ कहना उपरलिया मोटर का बिल लाओ किसान कमीशन का चेयरमैन कहता टैक्स लाओ किसान कमीशन का चेयरमैन कहता बोलियो तुहाडा चेयरमैन है फिर बोलियो दोस्तों खिलाफ मोर्चा बिटना पैना इत्थे चंडीगढ़ के बच्चे तो जो मोर्चा बिटोगे ना कि इस चेयरमैन हटाओ सानू नहीं मंजूर है यह किसान कमीशन का चेयरमैन तो देखो फिर तड़फण वाले किन्ने तड़फते हैं बहुत सारे तड़फणगे जिन्हों का हटेशी वो तड़फणगे पर साडा दुश्मन है मित्रों किसानों का असं डट के लड़ाई देवे ये लड़ाई देने लिए तैयार हो मानसिक तौर पर दस्यो ईमानदारी दस्या करो कि ना हो मैं उतो मोर्चा ला के पाया तुम उतो दिसो ना मेरे दोस्तों आ जी भारत माला प्रोजेक्ट के तहत सड़क निकल रही है पटियाले के आर्बोरेटर ने यह भगवंत मान सानू कहना है थोड़ी जे किसी को कीमत नहीं मिली तो आर्बोरेटर से केस पा लो पटियाले जो आर्बोरेटर बैठा है सारे के सारे केस रद्द करते किसी केस की सुनवाई नहीं की फिर कितों मिलेगा हक इस करके असं चाहते हैं कि असी कहने कि किसी धर्म तरह के सानू ये सड़क की लोड़ नहीं है कानून कहता है कि 90% लोग जो सहमत नहीं तो जमीन एक्वायर नहीं की जा सकती ते अपने इतने जमीन तो एक्वायर करनी टांग करनी कीमत भी जड़ी साड़ी मर्जी की देवे असी कहने सानू नहीं लोड़ यहोजे की भरावों बहुत सारे वीर के दिमाग च होएगा कि यह मंग केवल उन्होंने जिन्होंने खेत बेचती लगना नहीं भरावो उन्होंने नहीं है उन्होंने तो पैसे मिल जाएंगे बहुते ना मिलने थोड़े मिल जाएंगे वो छड़ के जमीन बाहर निकल जाएंगे ये मंग तो असल तुहाडी है क्योंकि 8 फुट उच्चा लंघना हो पिया जो बारिशा होनी है हड़ों का बहा रुकने फसल तुहाडिया मरनिया तुहाडिया होर बड़े समस्याव आनियाँ ये नाल सो इस करके योजना मुश्किल अगली गल पिछेत्रा झोना लग्या खड़ा खेतों ची पूरे जोर न साड़ी मंग है कि मंडिया जड़िया बंद कीतियां सरकार दोबारा मंडिया चालू करे अगर सरकार ने मंडिया चालू ना कीतियां अज वाले मंग पत्र तो बाद साड़ी मजबूरी बनेगी अज असी कतई रोड जाम करने वास्ते नहीं आए सी अज साडा प्रोग्राम बिल्कुल पीसफुली था बिल्कुल आराम नाल करना सी असी प्रोटेस्ट एक पासे साड़ियां ट्रालियां खड़ जाणियां सी कोई सड़क रोकण दा साडा प्रोग्राम नहीं सी लेकिन प्रशासन ने इत्थे रोक के खुद सड़क जाम करवाई है लेकिन जेकर मंडियां ना खुलियां दोबारा चालू होईयां फिर मजबूरी बनेगी दोस्तों वो सड़क दोबारा जाम करने की क्यों मेरे दोस्तों ये वो लोग फसे पए हैं जिन्ना लोगों की झोना मरिया सी तुसी परालियां दित्तियां ना
सॉरी पनीरिया दिखा ना जा जाके जे सज्जनो अज उन्होंने ना खड़े तो यह मान लियो फिर असी मारते हो उन्होंने मरण के जिम्मेवार फिर असी हाँ कि या फिर आदि समय सर जो वाण वेला हों कणक बीज लेंगे अज तो फस गए कोई उन्होंने पराली अग नहीं लाने दिता कोई उन्होंने पराली चक नहीं रहा कोई उन्होंने हजे झोना खड़ा उन्होंने झोना भी चक रहा मंडिया बंद करतिया इसलिए उदों जाके उन्होंने तुम डंगर का चारा दे के आते रहे उदों जाके तूड़िया दे के आते रहे उन्होंने पनीरिया दतिया सच्ची लड़ाई उन्होंने आ बनती है भरावो कि अज दे जे चिक्कड़ च डुबे पे ने उन्होंने बाहर कढ़िए साडे ने साडे ही परिवार ने किसी भी जथेबंदी जुड़िया हो बंदा लेकिन है साडा किसान इसलिए साडा ये मंगा ने इन्हां मंगा नूं लैके इहदे नाल होर बहुत सारिया मंगा ने सत मंगा लैके असी लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसलिए सभी बेनती है मेरे दोस्तों तकड़े हो के इस लड़ाई नूं अगे वधाउणा है आ जाओ जी आ जाओ हाँ रास्ता दे दो ऐ कर लो तुसी बाकी सारे किसानों मेरी हाथ जोड़ के बेनती है आराम नाल बैठे रहो जिले के प्रधान वो मेरे को आ जान साढ़े जिले के प्रधान जी इतने मेरे नाल आ जान सत्या जी रिसीव करके दोस्तों साडे सत्कारयोग बीबा जी दोनों बीबिया ने SSP भी DC माफी चाहांगे कि उन्होंने आपां नूं इत्थे सदना पिया बुलाउणा पिया लेकिन हालात ही इहो जिहे बन गए सी इस करके